हम लोगों तक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट करें, इसलिए हम सारे देश में घूम रहे हैं और स्पेशली यूथ के साथ मिलके उनके साथ बातें करके उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के हम इस फिल्म को प्रमोट करें। हम एक्चुअली जिस शहर में जा रहे हैं वहीं पे एक ऐसा इंस्पायरिंग कैरेक्टर ढूंढते हैं जिस जो कि मांझी के बराबर का हो, और इसलिए हर शहर में जाके हम लोगों ने मांझी ढूंढा है, उसको रिकग्नाइज़ किया और उसके उनसे मिल के उनसे प्रेरणा ली। दशरथ मांझी की डेथ एनिवर्सरी है और 17 अगस्त को हम गहलोर जाकर उनके गांव में जाके उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फिल्म की रिलीज़ और उनका जन्मदिन। बहुत अच्छा पोस्टर बनाया और फैन है तो मैं हम लोगों को पता चला तो हम लोग आए यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत पोस्टर बनाया। मुझे लगा था कि ये एक ऐसा इंसान है जो ठीक है माध्यम फिल्म है लेकिन इस इंसान के बारे में सबको पता होना चाहिए, स्पेशली यूथ को मालूम होना बहुत ज़रूरी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक आम सा आदमी था लेकिन जिसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम था। मुझे लगता है कि इस वक्त जहाँ पे भी हम जा रहे हैं सबका एक आइकन रोल मॉडल की तरह हो गया क्योंकि उसका काम ही ऐसा था कि इसने बिल्कुल इम्पॉसिबल काम किया, तो हर आदमी उसके डायलॉग से कनेक्ट कर रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो इस तरह के जो डायलॉग का एक क्रेज़ बनता जा रहा है पूरे उसमें, जब हम आउट ऑफ बॉम्बे गए तो हर स्टेट में एक कनेक्शन बनता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। और मुझे हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और बहुत उम्मीद है इस फिल्म से कि ये इंसान इस इंसान की स्टोरी यूथ तक जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म में मेरा अब तक का बेस्ट काम है और जितना भी यूथ है और देखे वो, क्योंकि इतना डिटेलिंग काम है आई थिंक मैंने अब तक किसी फिल्म में नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं फिल्म की वजह से, बट अभी तक जितनी फिल्में देखी हैं आई थिंक ये बहुत ही मैच्योर काम है मेरा।